वेलकम बैक टू ए न्यू ब्लॉग। तो आज मेरी छुट्टी है, वैसे तो आज फ्राइडे है, छुट्टी नहीं होनी चाहिए, पर आज हमारे यहाँ पे लाइट तो है नहीं। मैसेज आया था स्कूल से कि सुबह 8 o'clock से रात को 11 बजे तक लाइट है, तो अभी छुट्टी है। आज बैठे हैं आराम से, भाई पंखा डाल रही है मुझको। भाई के लो DIY पंखा रहता है ना, वैसा बनाया वो पेपर का। और ये भी गरीब बेचारा, एक तो फुल ब्लैक है, इसको प्रॉब्लम हो रही है, फुल गर्मी लग रही है इसको। एक्चुअली और एक भी प्रॉब्लम है गाइस, तो लाइट तो है नहीं सुबह से, इसके वजह से हमारे बिल्डिंग में ना पानी ऊपर तक चढ़ भी नहीं सकता, और हमारे घर पे पानी का भी थोड़ा इशू हो गया अभी लाइट नहीं है उसके कारण। तो कल तक तो सब बोर्ड ठीक हो जाएगा, वैसे ही मैं कुछ स्टेशन के यहाँ पे कर रहा हूँ काम। तो हाँ, आज तो लाइट नहीं होगा, तो ऐसे अभी दिन गुजारते हैं, पढ़ाई वगैरह सब है। चलो ये देखो गाइस, तो अभी ये है टिम्बू का खाना, अभी मतलब बना तो है नहीं, अभी क्या करने का गाइस, को चपाती को क्रश करने का रहता है और इसके अंदर दूध डालना होता है, और मिक्स करके टिम्बो दूध चपाती खाएगा। तो चलिए टिम्बो का खाना बनाते हैं। टिम्बो का ये रोटी है, छोटे छोटे पीस करके इसके बाउल में डालना है। टिम्बो का खाना रेडी है, और मैं टिम्बो को देख लूँ। इसको मुंह देखो यार, इसका मुंह देखो, इसको ऑलरेडी पता चल गया है, बहुत होशियार हो गया है अभी। देखो ये इसका टिम्बो का स्टैंड है, ऐसे पहले हम लोग नीचे देते थे इसको, बाउल में रख के ऐसा नीचे रखते थे ज़मीन पे बाउल, पर वो लोग को एक्चुअली प्रॉब्लम होता है ना, इसीलिए स्टैंड मंगाया था। तो टिम्बो इधर कम यहाँ, sit down Timbo, good boy, shake hand, thank you, that one, good boy Timbo, Timbo jump, good boy, go, Timbo को दूध चपाती भी बहुत अच्छा लगता है, खा ले Timbo, good boy। और आज सीमा'स किचन में स्पेशल क्या लंच बन रहा है? नहीं फिलहाल रोटी बना रही हूँ, पानी नहीं है ना, पानी नहीं उसकी वजह से रोटी और सब्जी। अभी पानी अभी शायद से 2-3 मिनट में आ जाएगा, देखते हैं। तो आया है लेकिन अभी रोटी बना रही, अभी ओवरफ्लो होगा गाइस। ये देखो आई रोटी बना रही है, और आई ये क्या है? ये ड्राई फिश है, समझ नहीं है ना? ओह यस, देखो रोटी फूल जाएगी, देखते हैं फूल की है नहीं। देखो थोड़ा थोड़ा फूल रहा है, देखो गाइस, अगर आपको कुछ भी ऑर्डर करना होगा और आप विरार वेस्ट में रहते हो या जहाँ पे भी आपको कुछ ऑर्डर करना होगा, तो आप आई से ऑर्डर कर सकते हो, सीमा'स किचन। तो आई ऑर्डर लेती है फूड का, जैसे कि आई बिरयानी वगैरह बनाती है ना, आई पार्टी ऑर्डर्स, और आई बिल्डिंग, हमारे बिल्डिंग के लिए भी बनाई बनाई है उसने, बहुत बार ना आई, हाँ बनाया बहुत इसमें बड़े इसमें। तो आपको कुछ भी ऑर्डर रहेगा तो आप आई से ऑर्डर कर सकते हो फूड, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन।
गाइस मुझे इतना ड्राई फिश तो अच्छा नहीं लगता ड्राई फिश, इसीलिए दादी ने ये बनाया है फूल गोभी की सब्जी। ये देखो मेरे को ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अभी ये भी तैयार होने वाला है। गाइस तो ये जो है ये वो बड़े वाले प्रॉन्स जो आते हैं ना, ये वही है, बट इसको बाद में ड्राई करते हैं और इसको पका के फिर खाते हैं। इसको मराठी में एक्चुअली बोलते हैं सोड़े ना आई। हाँ, तो आई बड़े बड़े प्रॉन्स का छिलका निकालते हैं उसको। हाँ, बड़े प्रॉन्स का छिलका निकालते हैं और उसको दूध में सुखाते हैं। और अभी आई उसका ही बना दी है। प्याज टमाटर डाला और गार्लिक जिंजर पेस्ट डाल दिया। अभी इसको थोड़ा कांदा अच्छा चौके करके फिर उसमें सब नमक ये सब डाल देते हैं। अब इसमें सब मसाले डाले हैं, धनिया पाउडर है, मिर्ची पाउडर है, हल्दी है और वो मालवणी मसाला है जिससे फिश को टेस्ट बहुत ही अच्छी है। अब ये सब मिक्स करके उसको थोड़ा पकाएंगे और उसमें ये जो ड्राई सोड़े हैं वो डाल के थोड़ा सा पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं थोड़ा, और उसको अच्छे से पकने देंगे। इसकी टेस्ट तो बहुत ही अच्छी आती है। तो गाइस अगर आपको नहीं पता होगा तो हमारे बिल्डिंग को पूरा पेंट वगैरह करके रेनोवेशन दे रहे हैं, हमारे पूरे बिल्डिंग को। तो बाम्बू वगैरह लगाया था, अभी पेंट वगैरह पीछे साइड का जहाँ पे हमारा विंडो वगैरह है वो तो हो गया है। मैं आपको बताता हूँ, देखो गाइस पेंटिंग वगैरह हो रहा था, इसके कारण हमारा जो बड़ा हो गया था मनी प्लांट उसको भी हमें निकालना पड़ा। और अभी हमने ये छोटा वाला वापस लगाया था, मतलब थोड़ा सा था, उसको पानी वगैरह दिया, सब दिया, और उसके वजह से देखो गाइस अभी ये इतना बड़ा हो गया है कुछ ही दिनों में। और यहाँ पे हमारा तुलसी है और उसके नीचे ये लुक्मिनी, देखो। तो अभी जो आई ने वो ये बनाया था मसाला वगैरह डाल के, कांदा टमाटर डाल के, उसमें अभी आई ने वो सोड़े डाला है और उसको अच्छे से मिक्स वगैरह किया। देखो अभी थोड़ा सा पानी डाल रही है इसमें, तो कुछ अभी ऐसा दिख रहा है, जब तैयार होगा तो और भी अच्छा दिखेगा ना आई। तो चलो टेस्टी भी हो जाएगा। हाँ, मैं कभी कभार ही खाता हूँ, आई को और मम्मा को बहुत अच्छा लगता है। और गाइस ये हो चुका है तैयार, देखो। तो गाइस अभी मेरा खाना हो गया है और अभी थोड़ी देर में सो जाऊंगा और फिर खेलने चला जाऊंगा। तो चलो फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। अभी गाइस मैं जा रहा हूँ क्रिकेट खेलने के लिए, तो चलो चलते हैं।
तो गाइस अभी मैं खेल के आ गया, नहाया और थोड़ा सा दूध बिस्किट खाया और अभी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, तो मैं फ्रेंच का अभी पढ़ाई कर रहा हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस अभी मेरा पढ़ाई तो हो गया है और अभी मैंने खाना भी खा लिया है। वैसे तो मम्मा ने आज बटर चिकन बनाया था तो मेरा खाना हो गया और अभी मैं एडिटिंग कर लूँगा और जल्दी से सो जाऊँगा क्योंकि कल है सैटरडे और सैटरडे को एक्चुअली हमारा स्कूल रहता है पूरा दिन। तो पूरा दिन बोलेंगे मतलब 7 to 12:30 तक रहता है। हाँ 7 to 12:30 तक ही रहता है हमारा डेली स्कूल, सिर्फ संडे को छुट्टी रहता है और आज छुट्टी दिया था क्योंकि आज पावर कट था। तो चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, मतलब कल। तो तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टाटा बाय बाय।